हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाइड स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 27 मार्च से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं या तथ्य हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1668 ईस्वी में आज ही के दिन इंग्लैंड के शासक चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे, जो कि अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, को ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले किया था। 1745 ईस्वी में आज ही के दिन जर्मनी के एक भौतिक शास्त्री एवं गणितज्ञ विलहेम रोंजन का जन्म हुआ था। सन 1855 ईस्वी में आज ही के दिन अब्राहम गैसनर ने केरोसिन यानी मिट्टी के तेल का पेटेंट लिया था। 1898 ईस्वी में आज ही के दिन भारत के मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत करने वाले सर सैयद अहमद खान का निधन हुआ था। 1899 ईस्वी में आज ही के दिन इटालियन आविष्कारक जी मार्कोनी द्वारा फ्रांस और इंग्लैंड के बीच पहला अंतर्राष्ट्रीय रेडियो प्रसारण किया गया था। 1915 ईस्वी में आज ही के दिन गदर पार्टी के प्रमुख नेता पंडित कांसीराम का निधन हुआ था। 1923 ईस्वी में आज ही के दिन प्रसिद्ध मानव विज्ञानी और नारीवादी विदुषी लीला दुबे का जन्म हुआ था। 1933 ईस्वी में आज ही के दिन जापान ने लीग ऑफ नेशन से खुद को अलग कर लिया था। 1936 ईस्वी में आज ही के दिन भारतीय राजनीतिज्ञ बनवारी लाल जोशी का जन्म हुआ था। 1954 ईस्वी में आज ही के दिन फ्रांसीसी कवियों के अनुवादक और पत्रकारिता के प्रोफेसर हेमंत जोशी का जन्म हुआ था। 1956 ईस्वी में आज ही के दिन अमेरिकी सरकार ने कम्युनिस्ट अखबार डेली वर्कर को जब्त कर लिया था। 1961 ईस्वी में आज ही के दिन पहला विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया था और उसी दिन से वर्ल्ड थिएटर डे के नाम से इस दिन को मनाया जाता है। 1968 ईस्वी में आज ही के दिन भूतपूर्व सोवियत संघ के विमान चालक और अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन का निधन हुआ था। 1977 ईस्वी में आज ही के दिन स्पेन के कनेरी द्वीपों के मशहूर पर्यटन स्थल टेनेरिफ में दो जंबो जेट हवाई अड्डे पर ही टकरा गए थे, जिससे 583 लोगों की मौत हो गई थी। 1990 ईस्वी में आज ही के दिन पश्चिम बंगाल के निमपुरा में एक यात्री बस के एक पुल से टकराकर नीचे गिरने के दौरान बिजली के तारों में अटक जाने से हुए भीषण धमाके में 41 लोगों की करंट लगने से मौत हुई और 21 अन्य बुरी तरह झुलस गए थे। 1998 ईस्वी में आज ही के दिन अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन ने दवा बनाने वाली कंपनी पीफाइजर की दवा वाइग्रा को नपुंसकता के इलाज की दवा के तौर पर इस्तेमाल करने को मंजूरी दी थी। 2010 ईस्वी में आज ही के दिन भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में परमाणु प्रौद्योगिकी से लैस प्रक्षेपास्त्र धनुष और पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया था। 2011 ईस्वी में आज ही के दिन जापान के फुकुशिमा में भूकंप के बाद क्षतिग्रस्त परमाणु ऊर्जा संयंत्र की एक इकाई में रेडियोधर्मी विकिरण सामान्य से 1 करोड़ गुना अधिक पाया गया था। 2019 ईस्वी में आज ही के दिन गाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति याह्या जामे ने एक भ्रष्टाचार रिपोर्ट के अनुसार 2017 में अपने निर्वासन से पहले अपने देश से लगभग 1 बिलियन की चोरी की थी। 2020 ईस्वी में आज ही के दिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने घोषणा की कि वे कोविड-19 से पीड़ित हो गए हैं, लेकिन वे स्व अलगाव यानी सेल्फ आइसोलेशन में रहते हुए देश को आधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नेतृत्व करना जारी रखेंगे। तो ये थी आज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।